बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री सिंधुताई सपकाया का 74 साल की आयु में हुआ निधन। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 58,097 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 2,00,000 पार। भारत बायोटेक का इंट्रास्ट्रल वैक्सीन और बूस्टर डोज की स्टडी के लिए डीसीजीआई से मिली मंजूरी, 5,000 लोगों पर होगा ट्रायल। 18 नवंबर के बाद सेंसेक्स 60,000 के पार, एक्सपर्ट्स ने कहा पैसा बनाने का सही मौका। शहर में संक्रमण की 3 गुना रफ्तार, डॉक्टरों का अनुमान और बढ़ेंगे पॉजिटिव। 24 घंटे में जिले में मिले 196 पॉजिटिव, वही जिले में फिलहाल 7,008 एक्टिव केस। महापौर दयाशंकर तिवारी ने दिए निर्देश, पेड़ों की अवैध कटाई पर हो FIR। स्टेशनरी घोटाले के बाद सकते में मनपा, रेत कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखा स्थगित। मेडिकल डीन डॉक्टर सुधीर गुप्ता का संकल्प, कोरोना पर पूरा फोकस, प्लैटिना जुबली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान। वैरायटी चौक पर तीसरे दिन लगातार कार्रवाई, अतिक्रमणकारियों पर फिर बरपा कहर। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।